हमारे इस चैनल वी द डेमी गॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है मैसेंजर ऑफ गॉड। गॉड भगवान ईश्वर अल्लाह है या नहीं है, इसके ऊपर बहस होती है। कुछ लोग जो नास्तिक हैं वो मानते हैं कि नहीं है, कुछ आस्तिक हैं जो उसमें आस्था रखते हैं वो मानते हैं। नाम अलग है लेकिन है, कोई एक ऐसी सुपर पावर है जो हमेशा हमारी मदद करती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ सोल्जर जो थे वो एडवांस पार्टी में फ्रंट पर जा रहे थे। फ्रंट होता है जहां पर दुश्मन के साथ ज्यादा आमना सामना होता है, तो ऐसी जगह पर वो जा रहे थे। और ऐसी जगह खास करके टफ प्लेसेस होती हैं, टफ पोस्टिंग्स होती हैं, पहाड़ों पर हुई, बहुत घने जंगलों में हुई, तो ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं। तो ये पहाड़ों की पोस्टिंग थी, सोल्जर जा रहे थे, हाई पीक पर उनको जाना था, काफी ऊपर जाना था, और क्योंकि रोड्स वगैरह नहीं थे तो पैदल चल के जाना था। तो चलते गए बहुत ज्यादा थक गए, इतना ज्यादा थक गए कि सोल्जर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि अब आगे चलना मुश्किल है, अगर हमें एक कप चाय मिल जाए, फिर से एनर्जी मिल जाए तो हम आगे चल सकते हैं। और ऐसी जगह में जहां सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और कुछ नहीं, वहां पर चाय कहां से मिलेगी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो जो उनका कमांडर था उसने कहा देखो थोड़ा और चल। इतने में उन्हें दूर एक कमरा सा दिखाई दिया, जो टूटा फूटा सा झोपड़ी नुमा कमरा था। तो उन्होंने सोचा कि वहां चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई तो रहता होगा जो हमारी मदद कर पाएगा चाय के लिए। गए वहां पर जाके देखते हैं तो वहां तो ताला लगा हुआ है। बड़े निराश हुए कि एक इतनी मुश्किल से इतना चलने के बाद एक कमरा दिखाई दिया और उसमें भी ताला लगा हुआ है। तो एक सोल्जर ने धीरे से कहा, क्योंकि ऑफिसर साथ में था तो लग रहा था कि ये ऑफिसर को बुरा नहीं लगेगा, तो उसने धीरे से कहा क्यों ना हम ये ताला तोड़ लें, अंदर किसी का घर है तो अंदर तो सामान तो मिलेगा ही। लेकिन क्योंकि वो सोल्जर थे, सोल्जर का काम होता है दूसरों की रक्षा करना, ना कि किसी के ताले तोड़ना, तो ऑफिसर ने पहले तो मना कर दिया। लेकिन जब देखा कि इतनी ज्यादा ठंड है, इतने ज्यादा थक गए हैं कि आगे चलना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ताला तोड़ लेते हैं। ताला तोड़ा, अंदर गए तो जाके क्या देखते हैं, वो तो चाय की दुकान थी, किसी ने अपना ऐसे ही खोला हुआ था दुकान, और उसमें चीनी भी उनको मिल गई, उसमें चाय पत्ती भी मिल गई, थोड़ा सा दूध भी मिल गया और बिस्किट भी मिल गए। बड़े खुश हुए उन्होंने, सबने लिया, अपना चाय बनाई, चाय के साथ बिस्किट खाए, थोड़े से फ्रेश हुए और चलने लगे। तब ऑफिसर ने सोचा मन में कि वी आर नॉट थीव्स, तो हम ऐसे किसी की चीज को कैसे ताला तोड़ के खा सकते हैं, पी सकते हैं और आगे जा सकते हैं, हम तो ऐसा कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर चाय की जो कैटल रखी थी उसके नीचे रख दिए। उनको देखते ही सोल्जर्स को भी लगा कि ये ऑफिसर ने पैसे रखे, तो थोड़े थोड़े पैसे निकाल के उन्होंने भी रख दिए, जिसके पास 10 रुपए थे, 5 रुपए थे, खुले जो भी चेंज था वो सब टेबल पर रख दिए और दरवाजा बंद करके टूटा हुआ ताला अटका के आगे चले गए। अब 3-4 महीने की उनकी वहां की पोस्टिंग थी, उनको वापस आना था। जब वापस आ रहे थे और उसी रास्ते से वापस आना था, तो उन्होंने फिर से वो कमरा देखा, फिर से उनका मन हुआ कि चलो जाते टाइम हमने यहाँ रेस्ट किया था और आज तो इसका दरवाजा खुला दिख रहा है, आज यहाँ बैठते हैं और जिसका भी शॉप है या चाय की दुकान है वहां पर चाय पीते हैं फिर आगे जाएंगे। जब अंदर गए तो देखा एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था और वो भी बहुत खुश हुआ कि 15-16 लोग एकदम से मेरे यहाँ चाय पीने आ गए। तो उसने बड़े खुश होके सबके लिए चाय बनाई, बिस्किट दिया, और वो भी खुश था और सोल्जर्स भी खुश थे कि उन्होंने उनको गर्मा गर्म चाय मिल गई। एक सोल्जर ने पूछा, बाबा तुम यहाँ बैठते हो, देखो घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कोई तो यहाँ आता नहीं है, फिर तुम्हारी क्या इनकम होती होगी, तुम ऐसी जगह में क्या दुकान खोल के बैठे हो। तो उसने कहा कि साहब ऐसा मत बोलो, यहाँ कोई आए ना आए भगवान जरूर आते हैं। तो सोल्जर ने कहा भगवान आते हैं कैसे भाई। तो उसने बताया 3 महीने पहले की बात है, मेरा बेटा बहुत बीमार था और उसके बचने के चांसेस नहीं थे, मुझे मेरी वाइफ ने जल्दी से बोला कि जल्दी चलो डॉक्टर के पास लेके जाना है, और मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तो मैं इधर उधर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, सबसे पूछा कि मुझे कोई थोड़े से पैसे दे दे तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की क्योंकि सब यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, किसी के पास था ही नहीं।
तो मैं बहुत निराश होकर वापस आया कि यहाँ से अपने चाय के बर्तन लेता हूँ, वो किसी के पास गिरवी रखता हूँ, शायद कोई पैसा मिल जाए। और मैं रास्ते भर प्रार्थना करते आ रहा था, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपने बेटे को ठीक करवा सकूं। और यहाँ आके क्या देखता हूँ कि मेरी चाय की केटल के नीचे कितने सारे नोट रखे हुए थे, और मैंने जब उनको गिना तो करीब 2000 नोट हो गए थे। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे को तो उस टाइम 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत थी। मैंने जल्दी से वो पैसे उठाए, भगवान का शुक्रिया अदा किया, और मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया। दवाइयां, उसके फल फ्रूट, उसके डॉक्टर की फीस सब मिला के उतने पैसे में मेरा बहुत आराम से काम हो गया और मेरा बेटा ठीक हो गया। तो भगवान ने मेरी सुनी, जैसे मैं रास्ते में कहते आ रहा था कि मेरी मदद करो, तो भगवान यहाँ पैसे रख के चले गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सुनसान जगह है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, यहाँ भगवान आते हैं। तो सारे सोल्जर्स सोच रहे थे कि ये तो पैसे तो हमने रखे थे, लेकिन ऑफिसर ने उनकी तरफ इशारे आंख आंख में इशारा करके कहा कि कुछ मत बोलना, क्योंकि इस इंसान का भगवान के ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखने दो। और वो वहां से चले आए। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे विश्वास को और बढ़ावा देती है, और बढ़ा देती है, विश्वास को पक्का कर देती है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। यहां पर भी उन 15 सोल्जर्स और एक ऑफिसर, 16 लोगों को भगवान ने अपना मैसेंजर बना के भेजा और उस बुजुर्ग की मदद की। कभी ना कभी लाइफ में हमें जरूर ये एहसास होता है कि हम जब मुश्किल में हैं तो वो हमारे आसपास होता है और हमारी मदद करता है, चाहे किसी भी रूप में करे। आपको भी कभी तो महसूस हुआ होगा, क्योंकि जब भी दिक्कत होती तो हम उसी को याद करते हैं, और उसको हमेशा याद करते रहना चाहिए। चाहे खुशी है, चाहे दुख है, चाहे गम है, उसको हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक सुपर पावर है जो हर दम हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती कि जंगल में जाके योगी बनना है या कुछ और बनना है या मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर है, वो आपको गलत क्या है, सही क्या है, वो हर दम बताता रहता है, सिर्फ उसे समझने की देर है। अगर समझ में आ जाता है तो इंसान बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। तो आप समझिए अपनी इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को समझिए, उसे मजबूत रखिए, जो आपको पॉजिटिव रखते हुए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो जरूर बताएं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मेरा हौसला बढ़ता है। आप मुझे बताते रहिए, मैं आपको स्टोरी सुनाती रहूंगी, और दोनों मिलकर साथ चलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।